मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग। और आज जिस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला वो है टीसीएल के तरफ से आने वाला टीसीएल 20 प्रो 5G। जिन लोगों को पता नहीं कि टीसीएल कौन सी कंपनी, ये रिलायंस की ही कंपनी है। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट का टू गुड्स है, वैसे ये रिलायंस का भी एक टीसीएल कंपनी है जो हमेशा अपने टीवी, स्मार्टफोन और टैबलेट बनाते हैं। और इनका एक नया स्मार्टफोन आया जिसका नाम है TCL 20 Pro 5G। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फोन है जिसकी प्राइस रखी गई, उस प्राइस में आप हमेशा या तो वन प्लस या तो एक आईफोन ही लेना प्रेफर करोगे। तो आपको मैं सारी डिटेल में बताऊंगा इसकी क्या प्राइस है, इस पे क्या क्या हमको स्पेसिफिकेशन देखने मिलता है और ये प्राइस में वर्थ है या नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो हमको इसपे 6.6 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है जो कि बेजललेस पंचुअल डिस्प्ले के साथ में आता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का हमको रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। ग्लास प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में, जो कि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बात कर ले प्रोसेसर की तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस फोन के अंदर देखने मिलता है। जिस प्राइस में ये फोन आया है उस प्राइस में ये प्रोसेसर वर्थ नहीं करता, क्योंकि जो मेरे पास फोन है मी 10 है 22,000 का फोन है, उसमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने मिलता है। मोटोरोला तो अपने 20,000 के फोन में देता है और वन प्लस अपने 25-26,000 के फोन में यही सेम प्रोसेसर देता है। तो आप समझ सकते हो प्रोसेसर के मामले में ये फोन काफी ज्यादा महंगा के हिसाब से ये वर्थ नहीं करता सिर्फ प्रोसेसर के मामले में। बात करें रैम और स्टोरेज की तो हमको 6GB रैम LPDDR4X रैम देखने मिल जाता है, जो कि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है और यहाँ पे आप 1TB तक का SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो। UFS की बात करें तो UFS हमको 3.1 देखने मिल जाता है इस फोन के अंदर, जो कि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है UFS को लेकर। बात करें कैमरा की तो इसमें हमको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जो कि इसका रियर कैमरा वो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो इसका सेकंड कैमरा वो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे हमको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। मुझे ये पहला फोन मिला जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इस फोन के अंदर देखने मिल जाता है। और बाकी की बात करें तो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने मिलता है। बात कर ले सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का हमको सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, जो कि ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे बैटरी की तो 4500 मिली एम्पावर की हमको बैटरी इस फोन के अंदर देखने मिलती है और इसमें हमको जो चार्जर मिलता है वो है क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो डुअल नैनो प्लस नैनो, ये है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यहाँ पे आप एक HD कार्ड या तो एक सिम यूज कर सकते हो या पे या तो अपना दोनों ही सिम कार्ड यूज कर सकते हो। बात करें यहाँ पे 5G को लेकर तो यहाँ पे आप सिर्फ सिम 1 में आप 5G इस्तेमाल कर सकते हो और सिम 2 में 4G और 3G ही चलेगा। बात करें बाकी फीचर्स वगैरह की तो हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक देखने मिल जाता है और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने मिला, जो कि अभी कॉमन सा हो गया हर एक फोन के अंदर। बात करें इसके प्राइस की, जो इसका 6GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज जो इसकी प्राइस है वो है 49,500। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फोन ये है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको ये फोन परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आके आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।